नमस्कार यूट्यूब परिवार, हमारे भारत में है ना हर तीज त्यौहार व्रत सबको बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ तक कि व्रत के खाने का ना एक अलग से मेन्यू भी है। तो चलिए आज उसी मेन्यू में से बनाते हैं एकदम सरल, आसान और स्वादिष्ट और सबका फेवरेट आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी। तो लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। घी से है ना व्रत के खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। फिर डाला है एक बड़ा चम्मच जीरा। जीरा और घी ये मेन प्रोमिनेंट फ्लेवर देते हैं किसी भी व्रत के खाने को। फिर डाला है आधा छोटा चम्मच कुटी हुई धनिया और बिल्कुल एक चौथाई छोटा चम्मच सौंफ और एक चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फिर तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कम से कम मसाले और कम से कम तेल में जितना अच्छा व्रत का खाना बन सके, क्योंकि जब आप सारा दिन फास्ट करते हैं और उसके बाद आप कुछ बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा मसालेदार खा लेते हैं तो उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप व्रत में खा सकते हैं, आपको इसमें डालना है तो आप डाल सकते हैं आपके पसंद के अनुसार, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं खाते व्रत में तो इसमें से आप उसको हटा सकते हैं। फिर यहाँ पे डाला एकदम रफली चॉप किया एकदम लाल लाल टमाटर, जो हमारे आलू टमाटर की सब्ज़ी को एक बहुत ही बढ़िया सा रंग देगा और स्वाद देगा। फिर मैंने डाला है घिसा हुआ अदरक एक बड़ा चम्मच। अदरक मैंने बाद में डाला है टमाटर डालने के बाद, ताकि हमारे अदरक ना जले और वो अच्छे से पक जाए। अगर अदरक जल जाता है तो फिर सब्ज़ी में उसका जला हुआ टेस्ट आता है और सब्ज़ी का स्वाद खराब हो जाता है। फिर डालेंगे व्रत का नमक स्वाद अनुसार, बिल्कुल एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी और एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, और फिर उसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। फिर रंगत के लिए मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च जो तीखा नहीं होता है, और थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च स्वाद अनुसार, ताकि थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाए हमारी व्रत की सब्ज़ी का। और इसको हमें अच्छे से मिलाकर ढक के पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे टमाटर जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। फिर थोड़ा सा धनिया पत्ती डाला है एकदम फ्रेश बारीक कटा हुआ ग्रेवी में। ये जब हम ग्रेवी में थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं ना तो वो सब्ज़ी का स्वाद बढ़ा देता है। और लास्ट में तो हम डालेंगे ही गार्निश करने के लिए। ये देखिए हमारी सब्ज़ी अभी से ही कितनी बढ़िया लग रही है ना दिखने में, ये खाने में भी उतनी ही बेहतरीन होती है। फिर बॉयल आलुओं को हाथों से ही रफली मैश करेंगे और ग्रेवी में डाल देंगे, और इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो आलू का ना भरता हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी ड्राई ही खा सकते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी तरी बना सकते हैं। और इसको मुश्किल से फिर लास्ट 4 से 5 मिनट और पकाना है, और लास्ट में गार्निश करेंगे एकदम फ्रेश धनिया पत्ती के साथ, और थोड़ा सा स्वाद को और चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चुटकी भर अमचूर डालेंगे। और लीजिए, तैयार है आपके व्रत की आलू टमाटर की सब्जी। तो फटाफट लाइक कर दीजिए इस रेसिपी को, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी लगी और कौन सी रेसिपी आपको देखनी है। और तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, स्वादिष्ट खाना खाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।